इन साथियों, जिनकी नीयत खराब हो, जिनकी नीति सिर्फ गरीबों का धन लूटने की हो, जो निर्णय सिर्फ अपने और अपने परिवार के स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए लेते हो, वो ऐसे हर प्रयास का विरोध ही करेंगे। आज देश में कृषि क्षेत्र हो या देश की सुरक्षा से जुड़े काम, ये हर बात का विरोध कर रहे हैं। आज देश के गरीब को एहसास है कि एनडीए सरकार ने उसके लिए जितनी योजनाएं शुरू की, उसका कितना बड़ा लाभ उन्हें मिला है। लेकिन स्वच्छ भारत हो, जनधन हो, आयुष्मान हो, हर योजना का इन लोगों ने डगर डगर पर विरोध किया, मजाक उड़ाई। इन्हें गरीब की तकलीफों से, उसकी परेशानी से, उसकी मुसीबतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फोटो खिंचवाने के लिए सोचते रहते हैं और कोई लेना देना नहीं। इन्हें गरीब सिर्फ और सिर्फ चुनाव में याद आते हैं। जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब, यही करते रहते हैं। चुनाव पूरा हुआ, गरीब गरीब की जगह बस अपने परिवार का कुनबा लेकर के बैठ जाओ। भाई और बहनों, याद रखिए, जब कोरोना का संकट सबसे ज्यादा था, जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, तब ये लोग कहां थे? इन्हें आपके विकास से नहीं, सिर्फ अपने और अपने परिवार के विकास से ही लेना देना है। यही इनकी सच्चाई है, यही इनका इतिहास है, यही उनके तौर तरीके हैं, यही इनकी ट्रेनिंग है, इसे बाहर सोच ही नहीं सकते जी। साथियों, ये लोग न बिहार की अपेक्षाओं को समझते हैं और न ही बिहार की आकांक्षाओं को। केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो हजारों करोड़ रुपए बिहार पर निवेश कर रही है, उससे यहां के नौजवानों के लिए नए अवसर भी बन रहे हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग भी जरूरी है, आधुनिकीकरण भी जरूरी है। ये तब होगा जब बिहार में प्रगतिशील, लोकतांत्रिक, स्थिर सरकार रहेगी, बिहार में निवेश आएगा। ये तब होगा जब बिहार में निवेश के लिए उचित माहौल होगा। अब आप मुझे बताइए, जंगल राज की विरासत, जंगल राज के युवराज, क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? जो वामपंथी नक्सलवाद को हवा देते हैं, जिनका उद्योगों पर, फैक्ट्रियों को बंद कराना यही जिनका इतिहास रहा है, क्या वो निवेश का माहौल बना सकते हैं क्या? साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इमरजेंसी के दिनों के बाद जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और बड़ा सटीक इंटरव्यू था।
एक दूरदर्शी नेता जो देश के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, बिहार के लिए सोचता है, उस समय मुख्यमंत्री थे, सत्ता की गादी पर बैठे हुए थे, लेकिन कर्पूरी साहब ने क्या इंटरव्यू दिया था? इंटरव्यू में कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, सत्ता के आसपास अवसरवादियों को शरण या तरजीज, अवसरवादियों को शरण या तरजीह बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझे नहीं तो मेरे बेटे या संबंधियों को भ्रष्ट करेंगे। ये कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार के लोगों ने इस बात को 100% सच होते देखा है, डेढ़ दशक तक देखा था। कर्पूरी ठाकुर जी की ये बात जंगल राज वालों ने सुनी होती, कर्पूरी ठाकुर की इस बात को समझी होती, तो बिहार के हालात इतने नहीं बिगड़ते। जंगल राज वालों ने बिहार में भ्रष्टाचार को हर मंत्रालय, हर विभाग, हर जगह परिवार को भी पहुंचाया, पाप को भी पहुंचाया, भ्रष्टाचार को भी पहुंचाया।